टॉप 3 बेस्ट टैबलेट्स अंडर 25,000 रुपीज। यस, यदि आप अपने लिए परचेस करना चाहते हैं एक बेस्ट टैबलेट 25,000 रुपए के नीचे, तो इस वीडियो को आप बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखें। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ 3 ऐसे बेहतरीन टैबलेट्स जो आपकी सभी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ अ टाइम, लेट्स डाइव इनटू आवर लिस्ट। नंबर 3 पर हमने रखा है लिनोवो आइडिया पैड डियोट क्रोमबुक को। 10.1 इंच का फुल एचडी डिस्प्ले, 4GB के रैम और 128GB का स्टोरेज इस टैबलेट में आपको मिलता है। मीडियाटेक हेलियो P60T 2GHz का पावरफुल प्रोसेसर इस टैबलेट में आपको मिलता है, जो इस टैबलेट की ओवरऑल परफॉर्मेंस को काफ़ी फास्ट बनाता है। 8MP का रियर कैमरा और 2MP का फ्रंट कैमरा इस टैबलेट में आपको मिलता है। इसमें आपको 7000mAh की बैटरी मिलती है, जिसकी वजह से कंपनी ये क्लेम करती है कि ये टैबलेट आपको अप टू 10 आवर्स का बैटरी लाइफ प्रोवाइड करता है। लेकिन आप एज्यूम करके चलें कि आपको एटलीस्ट 7-8 आवर्स का बैटरी लाइफ तो जरूर मिलेगा। सिर्फ वाईफाई को ही ये टैबलेट सपोर्ट करता है, डेट मीन्स कि इसमें आपको सिम इंस्टॉलेशन का कोई ऑप्शन नहीं मिलता। इस टैबलेट की सबसे खास बात है इसका 2-in-1 डिटेचेबल वाला फीचर, जिसकी वजह से आप इस टैबलेट को लैपटॉप की तरह भी यूज कर सकते हैं। इसका ये वाला यूनिक डिजाइन इस टैबलेट को काफी अट्रैक्टिव लुक देता है। इसकी मुझे एक और अच्छी बात ये लगी कि इसके साथ आपको USB पेन भी मिलता है। 4 साइड नैरो बेजल्स, 7.35mm थिकनेस और 450g वेट के साथ ये टैबलेट आपको मिलता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये टैबलेट काफी लाइट इन वेट है और स्लिम इन डिजाइन है। अब आइए हम बात करते हैं इसके प्रोज एंड कॉन्स की। इसके प्रोज हैं इसका डिज़ाइन, परफॉर्मेंस, बिल्ड क्वालिटी, बैटरी लाइफ और स्क्रीन क्वालिटी। और कॉन्स इसमें आपको दो देखने को मिलते हैं। सबसे पहले तो ये टैबलेट हैवी गेमिंग को सपोर्ट नहीं करता, और दूसरी बात इसमें आपको सिम का सपोर्ट नहीं मिलता। सो यदि आपको ऐसा टैबलेट चाहिए जो दिखने में काफ़ी स्टाइलिश हो, जिसको आप लैपटॉप की तरह भी यूज़ कर सकें और जिसका बैटरी लाइफ भी ज़्यादा हो, तो ये टैबलेट आपके लिए है। लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, आप डेफिनेटली इसे कंसिडर कर सकते हैं। ऑन नंबर 2 इट कम्स लिनोवो टैब M10। ये टैबलेट आता है 10.3 इंचेस फुल एचडी प्लस डिस्प्ले के साथ, जो आपको काफ़ी अच्छा विजुअल एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है। 4GB की रैम और 128GB का स्टोरेज इस टैबलेट में भी आपको मिलता है। लेकिन इसमें आप स्टोरेज को 256GB तक एक्सपांड भी कर सकते हैं, जो कि इस टैबलेट की काफ़ी अच्छी बात है। साथ ही साथ ये टैबलेट वाईफाई प्लस सिम दोनों को भी सपोर्ट करता है। मेटेलिक बॉडी फिनिशिंग विद राउंडेड एजेस एंड नैरो बेजल्स इस टैबलेट को काफ़ी प्रीमियम लुक देते हैं। इस टैबलेट में आपको ड्यूअल स्पीकर्स मिलते हैं विद अ डॉल्बी एटमोस, जो आपको थिएटर लाइक सराउंड साउंड एक्सपीरियंस प्रोवाइड करते हैं। इसकी स्क्रीन को TDDI टेक्नोलॉजी के साथ डिजाइन किया गया है, जो आपको काफ़ी अच्छा टच एक्सपीरियंस प्रोवाइड करती है। मीडियाटेक हेलियो P22T 2.3GHz ऑक्टाकोर का पावरफुल प्रोसेसर इस टैबलेट में आपको मिलता है, जो इसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस को काफ़ी फास्ट और स्मूथ बनाता है। रही बात कैमरा और बैटरी की, तो बताना चाहता हूँ कि इसमें आपको 5000mAh की बैटरी और 8MP रियर प्लस 5MP फ्रंट का कैमरा मिलता है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, इस टैबलेट के साथ आपको एक एक्टिव पेन भी मिलता है। तो ये तो थे इसके फीचर्स, अब आइए हम बात करते हैं इसके प्रोज एंड कॉन्स की। सबसे पहले हम इसके प्रोज को चेक करते हैं। इसके प्रोज हैं इसकी स्क्रीन क्वालिटी, साउंड क्वालिटी, स्मूथ परफॉर्मेंस, फास्टर वाईफाई कनेक्टिविटी, लुक डिज़ाइन एंड लाइट वेट। और रही बात कॉन्स की, तो मुझे इस टैबलेट में टोटल 3 कॉन्स मिले। सबसे पहले तो इसका बैटरी लाइफ लो है। कंटिन्यूस यूज पर ये टैबलेट आपको अप टू 3 आवर्स का बैटरी लाइफ देता है। दूसरी बात, इसका कैमरा क्वालिटी एवरेज है। और तीसरी बात, हैवी गेम्स को ये टैबलेट सपोर्ट नहीं करता। सो यदि आपको ऐसा टैबलेट चाहिए जिसका डिस्प्ले क्वालिटी काफ़ी अच्छा हो, जिसमें आपको वाईफाई प्लस सिम का भी सपोर्ट मिले, जिसमें आप स्टोरेज को भी एक्सपांड कर सकें और जिसमें आपको ड्यूल डॉल्बी स्पीकर्स मिले, तो ये टैबलेट आपके लिए एकदम परफेक्ट है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो मल्टीमीडिया यूज़ के लिए ये टैबलेट एकदम परफेक्ट है। लेकिन हाँ, बैटरी लाइफ कम होने की वजह से आप इस टैबलेट को कंटिन्यूस वर्क के लिए यूज़ नहीं कर सकते। अदरवाइज आप इसे डेफिनेटली विदाउट एनी हेजिटेशन कंसिडर कर सकते हैं। लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। नंबर 1 पर आता है लिनोवो टैब P11। इसमें आपको 11 इंचेस का लार्ज फुल एचडी प्लस डिस्प्ले मिलता है, जो कि पिछले 2 टैबलेट्स के कंपैरिजन में सबसे बड़ा डिस्प्ले है। इसमें आपको 4GB की रैम और 128GB का स्टोरेज मिलता है, जिसको आप 256GB तक एक्सपांड कर सकते हैं। वाईफाई प्लस 4G सिम दोनों को भी ये टैबलेट सपोर्ट करता है। इस टैबलेट की एल्यूमिनियम अलॉय केसिंग इस टैबलेट को काफ़ी प्रीमियम लुक प्रोवाइड करती है। इसकी 7.5mm की थिकनेस इस टैबलेट को स्लिम बनाती है, और इसका 490g वेट इस टैबलेट को लाइट वेट डिवाइस बनाता है। प्रोसेसर इसमें आपको मिलता है Qualcomm Snapdragon 662 ऑक्टाकोर का, और 7500mAh की पावरफुल बैटरी इस टैबलेट में आपको देखने को मिलती है। स्मार्ट कॉर्ड स्टीरियो स्पीकर्स विद डॉल्बी एटमोस इस टैबलेट में आपको मिलते हैं, जो काफ़ी अच्छा साउंड क्वालिटी प्रोवाइड करते हैं।
यही नहीं बल्कि इसमें आपको 13 मेगापिक्सल का रियर और 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलता है। इन सब के अलावा इस टैबलेट में आपको फेस अनलॉकिंग वाला फीचर भी मिलता है। सो गाइज, अब तक तो आप ये समझ ही गए होंगे कि हमने इस टैबलेट को हमारी लिस्ट में नंबर 1 पोजीशन पर क्यों रखा है। इसमें आपको हर वो फीचर मिलता है जो इस टैबलेट को वर्थ टू बाय बनाता है और आपको वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड करता है। अगर हम बात करें इसके प्रोज एंड कॉन्स की, तो सबसे पहले इसके प्रोज हैं इसका लॉन्ग लास्टिंग बैटरी लाइफ, साउंड क्वालिटी, यूजर फ्रेंडली डिज़ाइन, लाइट वेट, डिस्प्ले क्वालिटी, स्लिम एंड अट्रैक्टिव लुक, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इसका स्मूथ एंड फास्ट परफॉर्मेंस। ऑनेस्टली स्पीकिंग फ्रेंड्स, मुझे अभी तक इस टैबलेट में कोई भी कौन नज़र नहीं आया। सो हम ये कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं कि ये टैबलेट 25,000 रुपये के नीचे सबसे बेस्ट टैबलेट है। आप ब्लाइंडली विदाउट एनी हेजिटेशन इस टैबलेट को कंसिडर कर सकते हैं। लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे टॉप 3 बेस्ट टैबलेट्स अंडर 25,000 रुपीज़। दोस्तों, वीडियो आपको कैसे लगी आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। यदि इस वीडियो ने आपका पर्पज सॉल्व किया है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें। और हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इसी तरह के वीडियोस आगे भी पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर एंड गुड बाय।